हेलो बेटा, इस वीडियो में बेटा अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स के जो हमने बेटा पिछले वीडियो में देखे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बेटा क्वेश्चंस देखे थे। ओके, तो अभी इसमें भी हम देखेंगे बेटा 5, 6, 7 ये क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो वंस अगेन यू ऑल बेटा आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरु जी एंड माई अकेडमी पीसीएसएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, बिना समय गवाए चलो। तो क्वेश्चन नंबर बेटा अभी 5 की बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। आइए फिर क्वेश्चन 5 क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो दो बॉडीज, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। दो बॉडीज आपको दिए बेटा, पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस पे वो घूम रही है उस एक्सिस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है तभी उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार होता है। तो यहाँ बॉडी बेटा अपने एक्सिस पे घूम रही है, पहली बॉडी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और दूसरी बॉडी अपने एक्सिस पे घूम रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I। तो पहली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ओके, और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I, ओके। तो इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल, हाँ ये कंडीशन हमें दी है कि दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी। तो उनके एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या है ये हमें बेटा पूछा है। ओके, तो हम आंसर पे आते हैं बेटा। अभी देखिए तो 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। ओके, तो सिंपल वे में हम इनको इसको देखेंगे, लेकिन मैं काफ़ी डिटेल में उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि फट से आपको समझ में आए। ओके, हाँ, तो यहाँ बेटा ये फिफ्थ वाला, तो यहाँ पे बताओ बेटा पहली जो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ये I1 लेंगे और हमें क्या दिया है, I दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी I1 इक्वल टू I, और सेकंड बॉडी जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I2 लेंगे और ये हमें क्या दिया बेटा, 2I। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड बॉडी I2 इक्वल टू 2I, और हमें ये कंडीशन दी है बेटा क्या, कि गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। अच्छा, और इधर बेटा हम साइड वर्क में आ रहे हैं, तो यहाँ देखो साइड वर्क में क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी बॉडी जो है बेटा, बॉडी जो है, बॉडी अपने एक्सिस पे गोल घूम रही है। क्या हो रही है, बॉडी अपने एक्सिस पे गोल घूम रही है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ख्याल में रखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, जहाँ आई बेटा उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर स्पीड। तो अभी बेटा यहाँ पे दो बॉडीज दी है, कितनी बॉडीज दी है, दो बॉडीज दी है। तो बताओ फिर पहली बॉडी जो है, पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर ये हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, ये जो है तो यही हो जाएगा, हाफ तो वैसे ही रहेगा, पहली बॉडी है तो आई की जगह I1 और ओमेगा की जगह ओमेगा 1, ये स्क्वेयर सर वैसे ही इक्वल टू, दूसरी बॉडी है तो हाफ सर वैसे ही आई की जगह I2 और ओमेगा की जगह ओमेगा 2, स्क्वेयर सर वैसे ही, ओके बरोबर है। अब बेटा इसमें कैंसिल क्या होगा ये मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर कैंसिल में इसमें ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बरोबर हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ अब बचा क्या। तो देखो बेटा ये ओमेगा 1 स्क्वेयर वैसे ही और ये ओमेगा 2 स्क्वेयर हमने इधर लाया बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ओमेगा 2 स्क्वेयर इक्वल टू ये I2 बेटा वैसे ही, और ये जो I1 हम इधर लाए बेटा तो ये डिवीजन में आ गया I1, ओके, यस, ओके। सो अभी हम सामने बढ़ते बेटा, देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे ओमेगा 1 स्क्वेयर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर अगर मैंने कंबाइन किया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 स्क्वेयर वैसे ही इक्वल टू सर ये I2 अपॉन I1 वैसे ही, बरोबर। अब ये जो स्क्वेयर है इसको हटाने के लिए बेटा मैं स्क्वेयर रूट लेता हूँ दोनों तरफ, तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू वैसे ही, और सर स्क्वेयर रूट लिया तो ये स्क्वेयर रूट में आ जाएगी, रूट ऑफ
और I2 by I1 वैसे ही, तो इक्वल टू वैसे ही I2 हमें कितना दिया है बेटा, 2I दिया है। ध्यान दीजिए I2 जो हमें दिया है बेटा, I2 ये 2I दिया है, और I1 कितना दिया है, तो I1 हमें दिया है I। तो चलो फिर हम ये वैल्यू रखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ देखो फिर क्या मिलेगा हमें। तो आप बोलेंगे कि सर I2 की वैल्यू जो है, I2 की जो वैल्यू है वो 2I है, I1 की वैल्यू I है। अच्छा तो बताओ मुझे कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये II कैंसिल हो गया। ओके तो फिर बचा क्या, इक्वल टू वैसे ही, और ये बेटा रूट टू बचा है। ओके तो ये ω1 / ω2 वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, √2 / √2 1/1 लिखने से कुछ एक फर्क पड़ा क्या, नहीं। ओके सो देयरफॉर ω1 / ω2 यानी ही ω1 S2 ω2 इज इक्वल टू ये √2 / 1 यानी ही √2 S2 ये 1। तो ये बेटा आ गया, रेशो मिल गया ω1 / ω2 इक्वल टू √2 / 1। तो ये हमें आंसर मिल गया बेटा 5th का। अभी हम 6th के ऊपर आएंगे, चलो आओ बेटा 6th वाला देखो फिर जल्दी, 6th वाला देखो जल्दी, 6th पे आ रहे हैं अभी हम। ओके क्वेश्चन नंबर 6, हाँ तो ये आ गए बेटा क्वेश्चन 6 में। हाँ ये बेटा अभी आपको न्यूमेरिकल दिया यानी प्रॉब्लम दिया है। ओके तो ये जो प्रॉब्लम है बेटा, इस प्रॉब्लम को बरोबर समझ लो, हम सॉल्व करेंगे इसको डिटेल में। ए हॉलो स्पीयर, एक हॉलो स्पीयर है बेटा, हॉलो स्पीयर वो टेनिस बॉल जिस बॉल से आप खेलते हैं, ओके क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में है ना, तो वो टेनिस बॉल यानी हॉलो स्पीयर ऑफ रेडियस बेटा 6.4 मीटर, उसका रेडियस आपको दिया है 6.4 मीटर। तो चलो मान लो अभी कि बेटा, हाँ ये ध्यान दो कि ये बेटा एक स्पीयर है, हॉलो स्पीयर, ये उसका सेंटर और ये रेडियस। तो ये रेडियस जो है बेटा, ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है, ये आपको रेडियस दिया हुआ है कितना, 6.4 मीटर। ओके व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट टू एट बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल। ओके 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 तो देखो एक हॉलो स्पीयर है, उसका रेडियस 6.4। अब यह देखो बेटा, यह हॉलो स्पीयर का मतलब जो है वो बरोबर समझ लो, यह हॉलो स्पीयर का मतलब अभी ये बेटा मौत का कुआ है, आपने देखा होगा मौत का कुआ आपने देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है, एक जो वो गाड़ी चलाने वाला जो होता है, मोटरसाइकिल को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो इस मौत के कुएं में या ऐसा अंदर गोल 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 घूमता है। आपको मालूम है अगर ये घूमते वक्त अगर वो गिर गया तो उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए तो इसका नाम है मौत का कुआ, डेथ ऑफ डेथ मौत का कुआ, डेथ ऑफ वेल। ओके डेथ ऑफ वेल है बेटा। ओके तो इसका हमें क्या दिया हुआ है बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर इसका हमें रेडियस दिया हुआ है। ओके रेडियस दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो हमें इसकी बेटा बॉटम पे, कहाँ पे बेटा, बॉटम पे, ये जो बॉटम है, बॉटम पे ये जो बॉटम है, मैं फिर से बताऊँ यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी, ये हमें पूछा है बेटा उसकी वेलोसिटी बॉटम पे कितनी रहती है, तो ये हमें पूछा है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करते, आओ आंसर पे, फिर आंसर पे आते हैं। ओके तो ये आ गए बेटा हम आंसर पे, तो मैं बिल्कुल फिगर के द्वारा इसको A to Z पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो बरोबर ध्यान दो। तो मैंने बेटा यहाँ पे आपको अभी नहीं किया, पूरी वो अप टू डेट फिगर बताई है, तो ये फिगर को पहले बरोबर समझिए। ये बेटा वो वर्टिकल सर्कल में जो घूम रहा है कौन, वो व्यक्ति जो मौत के कुएं में घूमता है, और ये वो मौत का कुआ है, और इसमें ये बेटा
गोला घूम रहा है। तो आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ ये क्या हो गई उसकी। तो आप बोलेंगे सर ये लोवेस्ट पोजीशन हुई, बरोबर। ये और ये क्या हो गई बेटा, तो ये मिडल पोजीशन हो गई, और ये क्या हो गई, हाईएस्ट पोजीशन हो गई। जब वो बेटा अपने लोवेस्ट पोजीशन पे होता है, देखो बेटा जब वो अपने लोवेस्ट पोजीशन पे होता है तो इसकी ये जो वेलोसिटी होती है VL, वी यानी उसकी वेलोसिटी, L यानी लोवेस्ट पोजीशन पे। जब वो मिडल पोजीशन पे होता है बेटा तो उसकी जो वेलोसिटी है ये होती है VM, वी यानी वेलोसिटी, M यानी मिडल पोजीशन पे। यहाँ पे भी बेटा ये मिडल ही है तो उसकी वेलोसिटी ये डाउन, वी यानी वेलोसिटी, M यानी मिडल। तो ये दोनों पोजीशन पे सेम रहती है वेलोसिटी, मिडल मिडल तो सेम पोजीशन है। और हाईएस्ट पे बेटा जब वो आता है या ऐसे गोल घूमते हुए, कैसे या ऐसे गोल घूमते हुए, देखो ये हाईएस्ट पोजीशन पे आया और हाईएस्ट से फिर ऐसा गोल घूमते हुए लोवेस्ट पोजीशन पे आया, तो उसका मोशन तो आपको समझ में है, लोवेस्ट से हाईएस्ट, हाईएस्ट से लोवेस्ट, यानी ऐसा लोवेस्ट से मिडल, मिडल से हाईएस्ट, हाईएस्ट से मिडल, मिडल से लोवेस्ट, यानी सादी भाषा में लोवेस्ट से हाईएस्ट, हाईएस्ट से लोवेस्ट, लोवेस्ट से हाईएस्ट, हाईएस्ट से लोवेस्ट, बरोबर, क्लियर। तो इस प्रकार से बेटा वो गोल घूम रहा है। तो जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है बेटा तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ये VH, V यानी वेलोसिटी, H यानी हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी। तो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बताता हूँ बेटा, बात ख्याल में रखो। जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे होता है बेटा, जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे होता है तो इसकी जो वेलोसिटी ये होती है, ये होती है बेटा ये वाली वेलोसिटी, अच्छी तरह से ध्यान दो। ये लोवेस्ट पोजीशन पे जो उसकी वेलोसिटी है ये होती है VL इक्वल टू रूट फाइव आर जी। ये देखो बेटा VL इक्वल टू रूट फाइव आर जी लोवेस्ट पे। आप मतलब यही हमें पूछा है, लेकिन आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर अगर मिडल पोजीशन पे पूछी होती तो ये VM कितना रहता। तो VM बेटा इतना ही रहता है, बस ये जो 5 है 5 की जगह 3 रहता है। क्या रहता है बेटा, तो VM अगर पूछा होता तो मैं बता दूँ कि अगर हमें VM पूछा होता, VM ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, VM पूछा होता तो ये रहता है बेटा रूट 3 आर जी। और आप अगर बोलते कि सर ये हाईएस्ट पे, तो ये अगर हाईएस्ट पे हमें पूछा होता सर ये, तो ये VH कितना होता। तो मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, ध्यान दो, पूछा नहीं है वो लेकिन बता रहा हूँ। तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी रहती है सिर्फ रूट आर जी। हाँ, तो हाईएस्ट पे रहती है बेटा VH रहती है रूट आर जी, मिडल पे रहती है बेटा ये अभी बताया मैंने VM इक्वल टू मिडल पे VM इक्वल टू रूट 3 आर जी, और लोएस्ट पे रहा तो ये VL रहता है बेटा अभी मैंने बताया रूट 5 आर जी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है बेटा, लोएस्ट पे। तो जब कोई व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति जो मौत के कुएं में घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, ये वर्टिकल सर्कल में, तो लोएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहती है रूट 5 आर जी, मिडल पे कम रहती है रूट 3 आर जी, और हाईएस्ट पे तो सबसे कम रहती है रूट आर जी। तो हमें बेटा क्या पूछा है, हमें पूछा है लोवेस्ट पे कितनी रहती है, तो ये VL इक्वल टू रूट 5 आर जी। चलो फिर वैल्यू रखो बेटा वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, ये रूट सर वैसे ही, ओके रूट वैसे ही, 5 वैसे ही, रेडियस सर हमें दिया है 6.4 और जी की वैल्यू तो ये फिक्स 9.8, तो ये इक्वल टू वैसे ही, रूट वैसे ही। और ये बेटा यहाँ देखो 6.4 × 5, सादा मल्टीप्लिकेशन बेटा, 6.4 × 5 तो ये 32 आता है, इंटू ये 9.8 वैसे ही, और ये इक्वल टू वैसे ही, रूट वैसे ही बेटा, ये रूट वैसे ही, और ये 32 × 9.8 सादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो ये मल्टीप्लिकेशन आता है 313.6। अब आपका प्रश्न रहेगा कि सर ये जो रूट में वैल्यू है रूट 313.6, ये वैल्यू का सर आंसर कैसे फाइंड करें। तो मैं रूट के आपको लॉग के मेथड से बेटा टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है ये बरोबर ध्यान दो कि ये जो रूट है बेटा ये तो वैसे ही रूट रखना है, रूट वैसे ही रखना है, और ये जो आप पॉइंट देख रहे बेटा, दिख रहा है ये पॉइंट, हाँ इसको जानबूझ के 2 डिजिट बैक लेके आओ, ओके। तो 2 डिजिट बैक लेके आ गए तो ये नंबर क्या हो गया, तो ये नंबर होगा बेटा 3.136, और 2 डिजिट बैक लेके आप आए थे इधर, इसलिए ये 10^2।
आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों किया? ऐसा बेटा इसलिए किया कि अब हम लॉग टेबल में ये वैल्यू देख सकते हैं। सर कैसे? तो लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखो बेटा? लॉग टेबल में दो प्रकार की वैल्यू रहती है, ये ख्याल में रखो बेटा। लॉग टेबल में दो प्रकार की वैल्यू रहती है, एक तो रहती है 1 to 10 और दूसरी रहती है बेटा 10 to 100। तो आप मुझे सोच के बताओ बेटा पहली बात कि ये जो नंबर है ये नंबर कौन से रेंज में आएगा? तो आप बोलेंगे सर 1 to 10 में आएगा, 10 to 100 में नहीं आएगा, 1 to 10 में आएगा। तो बेटा लॉक टेबल ओपन कीजिए और लॉक टेबल ओपन करके वैल्यू कैसे देखेंगे? देखो आप वैल्यू देखिए, मैं जैसे बताता हूँ 3.1 का लॉग स्क्वेयर रूट में आइए, स्क्वेयर लॉक टेबल के स्क्वेयर रूट में आइए और देखिए ऐसा वर्टिकली डाउन चलते हुए आप देखिए 3.1 का 3 में वैल्यू देखो और मीन डिफरेंस 6 में, मीन डिफरेंस 6 में आप तो 3.1 का 3 में और मीन डिफरेंस 6 में आप देखेंगे इसकी टोटल करेंगे तो ये वैल्यू जो है बेटा ये आती है 1.77। पहली बात। दूसरी बात बेटा 10 to the power 2 को रूट के बाहर निकालोगे तो पावर हो जाता है आधा, तो ये जो पावर 2 है ये हो गया 1। क्या हो गया बेटा? ये हो गया 1। तो फिर मुझे बताओ क्या आपका आंसर आ गया? तो आप बोलेंगे सर ये 1.7 इंटू 10 to the power 1। अब बेटा अगर आपको 10 to the power 1 नहीं चाहिए तो 10 to the power 1 नहीं चाहिए तो ये जो पॉइंट दिख रहा है बेटा ये पॉइंट, तो इसको एक डिजिट सामने सरका दो। एक डिजिट सामने सरका दिया आपने, तो एक डिजिट सामने सरका दिया बेटा, तो ये जो नंबर हो गया ये हो गया 17.7 और 10 to the power 1 हट गया क्योंकि आपने पॉइंट को एक डिजिट सामने सरकाया। तो 17.7 मीटर पर सेकंड ये बेटा हमें मिल गई वैल्यू। हाँ तो यही बेटा है उसका आंसर, VL की वैल्यू 17.7 ये आ गई। मैंने अभी बेटा आपको स्क्वेयर रूट देखने की टेक्निक बताई, स्क्वेयर रूट देखने की टेक्निक बताई। तो स्क्वेयर रूट आपने कहाँ देखा था? स्क्वेयर रूट आपने देखा था 1 to 10 में बेटा, है ना। तो कैसे देखा था बताओ? 3.1 का 3 में। तो 3.1 का 3 में जो भी वैल्यू है उसको पहले आप लिख लेंगे प्लस उसमें ये 6 मीन डिफरेंस में वैल्यू जो है वो मीन डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे और उसकी दोनों की प्लस करेंगे तो आती है बेटा 17.7। ये वैल्यू आती है 17.7 ये टोटल, हाँ ये वैल्यू आती है 17.7। एक्चुअली वो में आएगी वो 17.70। क्या आएगी बेटा? वो 17.70, लेकिन वो जीरो नहीं लिखा जाता इसलिए नहीं लिखा, तो 17.7। अभी बेटा सामने के क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे बेटा। तो देखो क्वेश्चन 7 पे आओ। तो क्वेश्चन 7 फिर से बेटा 1 mark के लिए क्या है ये बरोबर ध्यान दो। क्वेश्चन 7 1 mark के लिए, ये भी प्रॉब्लम है बेटा, ये भी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है तो इसको बरोबर समझो। क्वेश्चन 7 क्या है? ए बेंट इन ए लेवल रोड हैज ए रेडियस ऑफ 100 meter। बेंट यानी बेटा कर्व रोड होता है। देखो बेंट इन ए लेवल रोड, ये शब्द जब आता है बेंट इन ए लेवल रोड मतलब बेटा वो कर्व रोड है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में बेटा कि ये कर्व रोड रहता है बेटा, ये स्ट्रेट रोड सीधा रोड और ये हो गया कर्व रोड, ये हो गया बेटा कर्व रोड और ये कर्व रोड, हाँ मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर्व रोड और ये बेटा स्ट्रेट रोड। तो हम ये कर्व रोड की बात कर रहे हैं, कर्व रोड की बात कर रहे हैं, ये उसका सेंटर सी, तो ये जो है बेटा सर्कुलर रोड। अच्छा हमारे लिए कर्व रोड यानी इतना ही काम का है बेटा, इतना ही ये कर्व रोड काम का है। कोई भी व्हीकल जब होता है तो एक तो ये इधर जाता है या फिर उधर से इधर आता है। तो आप बोलेंगे सर फिर ये जो कर्व रोड है तो यही तो सर हमारे काम का हुआ ये कर्व रोड। तो सर ये बाकी का जो पार्ट है ये क्या है? ये तो बेटा खेत खलियान है। क्या है बेटा? ये खेत खलियान है, इधर नहीं आना है, हमारे काम का सिर्फ ये कर्व रोड है। ओके हाँ ओके।
मैं वापस प्रश्न में आपको लेके आता हूँ, वापस प्रश्न में मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि इसका जो आपको रेडियस दिया बेटा, देखो इसका जो आपको रेडियस दिया है, ये रेडियस, ये देखो ये जो रेडियस, ये सेंटर लाइन लेना है ये रोड की, और ये सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये बेटा उसका रेडियस। तो ये दिया है बेटा, ये रेडियस हमें ये दिया है 100 मीटर। तो हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पूछा है बेटा कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्कीडिंग। यानी व्हीकल जो है बेटा, वो जो कार है, वो कार यहाँ से जाते वक्त, यहाँ से जाते वक्त स्कीड नहीं हो रही, यानी रोड के बाहर नहीं फेंकी जा रही है। यहाँ से जब वो कार जा रही है बेटा, तो यहाँ से वो जो कार जा रही है तो रोड के बाहर नहीं फेंकी जा रही है, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें पूछिए कि उसकी स्पीड क्या होगी। और हमें एक शब्द दिया है यहाँ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.8। तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू हमें दिया है बेटा, ये म्यू की वैल्यू दी है, म्यू ये दिए 0.8। ओके, तो आइए फिर प्रॉब्लम पे आइए, प्रॉब्लम पे मैं आपको लेके आता हूँ, जल्दी आइए प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम के आंसर पे। ओके, तो ये प्रॉब्लम का आंसर बेटा बरोबर ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया, पहले बरोबर बातों को समझ लो बरोबर अच्छे ढंग से, कि ये 7 का हम आंसर फाइंड करेंगे। बेंडिंग यानी अभी बताया, बेंडिंग मीन्स टर्निंग ऑफ कर्व रोड, अभी बताया ना बेटा कर्व रोड, ये कर्व रोड ऐसा था, ये कर्व रोड है ना, ये कर्व रोड, हाँ, तो कर्व रोड की बेंडिंग मतलब ही वो कर्व रोड को हम ऐसा मूव हो रहे हैं, ऐसा मूव हो रहे हैं, एक तो इधर जा रहे हैं या उधर से इधर आ रहे हैं। ओके, तो हेयर एंगल ऑफ बैंकिंग थ्रीटा इज नॉट गिवन। तो मुझे बताओ बेटा प्रॉब्लम में हमें थ्रीटा दिया है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं दिया है। अच्छा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज गिवन, और म्यू दिया है। तो देखो बेटा अच्छी तरह से ध्यान दो, जब आपको म्यू दिया होता है, थ्रीटा नहीं दिया होता है, म्यू दिया मतलब रोड को अभी तक बैंक नहीं किया, थ्रीटा नहीं दिया मतलब रोड को अभी तक बैंक नहीं किया। तो जब रोड को बैंक नहीं किया जाता बेटा, रोड को बैंक नहीं किया जाता, तब उसकी स्पीड का फार्मूला है वी इक्वल टू रूट म्यू आर जी। क्या फार्मूला है बेटा वी का, वी इक्वल टू म्यू आर जी। हाँ, ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपको म्यू दिया है बेटा, क्या दिया है म्यू। अगर थ्रीटा दिया होता तो वो तब मालूम है बेटा, ये जो वी इक्वल टू म्यू आर जी, तो ये V वैसा ही रहता, R वैसा ही रहता, G वैसे ही रहता, लेकिन म्यू की जगह फिर टैन थ्रीटा, तो तब फार्मूला होता बेटा V इक्वल टू रूट ये R वैसे ही, ये G वैसे ही, और ये म्यू की जगह आता है बेटा टैन थ्रीटा, टैन थ्रीटा। हाँ, तो ये कब बेटा, ये तब जब आपको एंगल थ्रीटा दिया हुआ है, यानी जब रोड की बैंकिंग की है। अभी प्रॉब्लम के अनुसार बेटा रोड की बैंकिंग नहीं की है, इसलिए आपको म्यू दिया है, तो ठीक है भाई म्यू दिया है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया, कौन सा फार्मूला, वी इक्वल टू म्यू आर जी। चलो फिर मुझे पहले साइड वर्क में इसकी वैल्यू बता दो, तो साइड वर्क में हम वैल्यू जो हमें दिए है वो हम लिखेंगे, तो म्यू कितना दिया है प्रॉब्लम में, तो आप बोलेंगे सर 0.8, और ये रेडियस कितना दिया हुआ है रोड का, ये अभी मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा कि रोड का रेडियस, ये जो कर्व रोड है, ये जो कर्व रोड है बरोबर ध्यान दो, ये जो कर्व रोड है, ये जो कर्व रोड है बेटा, इस कर्व रोड, ये कर्व रोड, हाँ ये बताए बेटा, ये सर्कल, हाँ कर्व रोड का ये सेंटर और ये रेडियस, तो ये रेडियस हमें कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर हम रेडियस इसका दिया है 100। ओके, और जी की वैल्यू तो मालूम है आपको 9.8। चलो ये वैल्यूज़ बेटा इसमें रखो बरा, ये वैल्यूज़ इसमें रखो तो मुझे बताओ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये रूट तो वैसे ही, ओके, म्यू की वैल्यू सर 0.8, आर की वैल्यू सर 100, ओके, और जी की वैल्यू 9.8, ओके बराबर है,
ओके, तो रूट सर वैसे ही 100 इंटू 0.8 यानी 80 आ गया, और ये 9.8 वैसे ही, रूट वैसे ही 80 इंटू 9.8 इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आता है बेटा 784.0। हाँ, उसका सादा मल्टीप्लीकेशन मैं अभी पिछले प्रॉब्लम में आपको ये समझा रहा था, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट समझा रहा था, हाँ या ना। तो यहाँ भी बेटा स्क्वेयर रूट है, तो यहाँ बोलेंगे आप देखेंगे बेटा 784.0। हमारे पास बोला आपको लॉग टेबल, लॉग टेबल आपको परमिशन है यूज करने की। तो लॉग टेबल में स्क्वेयर रूट दो ही प्रकार का होता है, मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम बताया था कि स्क्वेयर रूट होता है 1 to 10 एक, और दूसरा 10 to 100 दूसरा। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर तो फिर 784 ये तो फिर 100 से ज़्यादा, इसीलिए हमें छोटी सी यह बात ये करनी होती है बेटा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको दो डिजिट हम बैक लेके आएंगे। ओके, तो फिर ये क्या हो गया, 7.84 हो गया है ना, 7.84। ओके, हाँ, ये जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। इनटू इसको दो डिजिट बैक लाया इसलिए बेटा 10 to the power 2। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व करें। तो देखो 10 to the power 2 जो है बेटा इसको रूट के बाहर निकालेंगे, ये रूट में फंसा है ना 10 to the power 2, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 10 to the power 1 होता है, यानी पावर आधा हो जाता है, 2 है तो 1 हुआ, 4 होता तो 2 रहते, या पावर 6 होता तो 3 आते, तो पावर आधा हो जाता। तो ये तो सॉल्व हो गया 10 to the power 2 का रूट 10 to the power 1। और सर ये वाला कैसे फाइंड करें 7.84, अरे वेरी सिंपल बेटा, ये देखो 7.84 कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर 1 to 10 में है कि नहीं, 1 to 10 में है ना बाबा, 1 to 10 में है। तो आप आइए लॉग टेबल में, लॉग टेबल में स्क्वेयर रूट में आइए, और वो भी 1 to 10 में आइए, आइए और वैल्यू कैसे देखेंगे 7.8 का 4 में देखिए, 7.8 का 4 में देखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉग टेबल में स्क्वेयर रूट में आइए 1 to 10 के इसमें, और वहाँ ये 7.8 का 4 में देखिए, तो वो वैल्यू बरोबर आपको मिलेगी 2.8, यानी 2.800 रहेगी, 00 लिखना नहीं है, तो 2.8। और ये तो ऑलरेडी बताया 10 to the power 2 का रूट आता है 10 to the power 1, यानी पावर 2, ये 1 हो जाता है। फिर आप बोलेंगे सर अगर हमें ये 10 to the power 1 नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो 10 to the power 1 अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इस पॉइंट को एक डिजिट आप सामने सरका दो, तो अगर सरकाया तो ये क्या हो जाएगा 28। तो स्पीड आ गई बेटा अभी आपको कितनी आ गई, ये आ गई 28 meter per second। तो ये बेटा जो आपको व्हीकल दिया है, ये जो व्हीकल दिया, ये कर्ट रोड से चाहे इधर जाए, बता रहा हूँ कि ये कर्ट रोड से चाहे इधर जाए या इधर आए, उसकी जो स्पीड रहेगी वो ये रहेगी बेटा, कितनी उसकी स्पीड रहेगी, ये 28 meter per second। तो ये बेटा हमने सारे इसके क्वेश्चन 7 तक पूरे सॉल्व कर लिए। ओके, अभी ये बेटा सामने का जो वीडियो रहेगा अभी वो सामने के क्वेश्चन का रहेगा। ओके, तो चलिए बेटा इसको 5-6 टाइम्स रिवाइज करो अच्छी तरह से, कोई भी अगर आपकी डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।